नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर देश का सबसे नया सुपरफास्ट शो। एबीपी न्यूज एक फ्री टू एयर चैनल है। इसे देखने के लिए सिर्फ अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें और मांगे एबीपी न्यूज अपने बेस पैक में। फिलहाल देखिए वायरल फटाफट। सीढ़ियों पर गिरता ये शख्स क्रिसमस की लाइट लगा रहा था, लेकिन तभी फिसलने की वजह से हो गया हादसा। पहले सीढ़ी फिसली, फिर ये सीढ़ी पर गिर गया। हालांकि हादसे के फौरन बाद ये शख्स उठ भी गया और हंसने भी लगा। और हो भी क्यों ना, बड़े बड़े त्योहारों पर ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। और अब देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। मुंबई की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सबूत के अभाव में 13 साल बाद सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस के सभी 22 आरोपी को बरी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को 2 हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने के निर्देश दिए। तंदूर कांड का सुशील शर्मा 23 साल बाद जेल से रिहा। पत्नी की हत्या कर शव को तंदूर में जलाने के आरोप में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुपवाड़ा में एलओसी के पास पाकिस्तान के स्नाइपर की गोली में एक भारतीय जवान शहीद, एक घायल। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर के भाई का वीडियो वायरल, जमीन विवाद में महिलाओं को पिटवाने का आरोप। गोवा के पणजी में राफेल मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ मोर्चा निकाल रही थी बीजेपी। लखनऊ में बैंकों के एकीकरण के विरोध में बैंक अधिकारियों की हड़ताल, बंद रहे सभी सरकारी बैंक। राजस्थान के बारा में यूरिया की किल्लत से परेशान किसान, यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। यूपी के हरिद्वार में फैक्ट्री से निकले केमिकल वाले पानी से खेत की फसल को नुकसान, किसानों ने प्रशासन से शिकायत की। राजस्थान के चुरू में तेज ठंड की वजह से फसलों को हो रहा है नुकसान, तापमान 0 से नीचे पहुंचा। यूपी के सुल्तानपुर में नौकर पर अपने साथियों के साथ व्यापारियों के 2 बच्चों का अपहरण करने का आरोप, छोटे बेटे की हत्या, दूसरे को पुलिस ने बचाया, आरोपी भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में गर्भवती मां ने फांसी लगाई, मां के लटकते शव से बच्चे का हुआ जन्म, पुलिस कर रही है फांसी लगाने की वजह की जाँच। यूपी के फतेहपुर में इंडियन ऑयल के टैंकरों से तेल चुराते 2 लोगों का वीडियो वायरल, एसओ पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप। एमपी के देवास में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट बरामद, आरोपी फरार। यूपी के रामपुर में रामायण मंचन के नाम पर बार बालाओं पर लुटाए जा रहे हैं नोट, पुलिस में हुई शिकायत। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में कोयले की खदान में अब भी फंसे हैं 13 मजदूर, 1 हफ्ते से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में भावनगर के समुद्र में खड़े जहाज के पास टगबोट में धमाका, 3 लोगों की मौत की आशंका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टूटते पहाड़ के मलबे में दबकर 5 से ज्यादा मजदूरों की मौत, कई मजदूर अब भी फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के जोधपुर में गाय के मालिकाना हक को लेकर शिक्षक और कांस्टेबल की लड़ाई थाने पहुंची, डीएनए टेस्ट कराकर मामला सुलझाने की मांग हुई। इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर में तब्दील होगा मुंबई का जिन्ना हाउस, उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज हुई, बीएसई में 7.25 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी करीब 200 अंक गिरा। अरमान कोहली के घर से महंगे स्कॉच शराब की 41 बोतलें मिली, 3 साल की सजा हो सकती है, नियमों के मुताबिक 1 महीने के लिए सिर्फ 12 बोतल रख सकते हैं। राजस्थान के सिरोही में पाट नारायण मंदिर में लगेगा देश का सबसे बड़ा घंटा, अलीगढ़ में तैयार हो रहा है 21 क्विंटल वजनी घंटा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर पर फिर घड़ियाली आंसू, यूएन महासचिव को फोन कर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की झूठी शिकायत की। टेनिस स्टार राफेल नडाल स्पेन में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 8 करोड़ रुपए दान करेंगे। वक्त है चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में फंसा हुआ है मामला, जेटली से मीटिंग के बाद भी चिराग पासवान ने पत्ते नहीं खोले।
सूत्रों के मुताबिक पासवान को बिहार में 5, यूपी में 1 लोकसभा सीट देने पर विचार। राज्यसभा की भी 1 सीट दी जाएगी। सीट बंटवारे पर ऐलान के लिए कल अमित शाह, नीतीश और चिराग पासवान कर सकते हैं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हनुमान को मुसलमान बताने वाले विवाद में घिरी बीजेपी, पार्टी ने कहा ऐसी बयानबाजी से बचे नेता। बुक्कल नवाब के बाद यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हनुमान जी को जाट बताया। हनुमान जी को जाट बताने वाले यूपी में धार्मिक मामलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। पटना में कांग्रेस ने लगाए हनुमान जी की तस्वीरों वाले पोस्टर, लिखा बीजेपी जाति बताने की वजह से ही 3 राज्यों में हारी। सरकारी एजेंसियों को जासूसी का अधिकार मिलने के बाद बरसा विपक्ष, कहा खतरे में है लोकतंत्र। जासूसी विवाद को लेकर ओवैसी का हमला, पूछा क्या यही है घर घर मोदी का नारा। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा देश में इमरजेंसी के हालात। केंद्र सरकार ने कहा आज के आदेश में सब कुछ कानून के हिसाब से, 2009 में बने कानून को ही लागू किया। नितिन गडकरी बोले पार्टी में कुछ लोगों के बोलने से विवाद होता है, सिर्फ आधिकारिक प्रवक्ता ही बोले। नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ अजमेर में प्रदर्शन, लोगों ने पोस्टर फाड़े और जलाए। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने नसीरुद्दीन शाह को बताया कांग्रेस का एजेंट। कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा की इजाजत पर ब्रेक, डबल बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला। अपने ही सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ कोलकाता के कांग्रेसियों ने मोर्चा खोला, ममता के समर्थन में कोर्ट में पेश हुए थे सिंघवी। मध्य प्रदेश में यूरिया की हो रही किल्लत पर बोले कमलनाथ, किसानों की जरूरत पूरी करने को लेकर सरकार गंभीर। कमलनाथ की सरकार 25 दिसंबर को वाजपेयी जयंती सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी। देश में तीसरे मोर्चे की तैयारी फिर तेज, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव अगले हफ्ते होंगे सक्रिय। अगले हफ्ते ममता, मायावती, अखिलेश और नवीन पटनायक से मिलेंगे केसीआर। बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने राम मंदिर पर इसी सत्र में अध्यादेश लाने की मांग की। बिहार की कानून व्यवस्था के खिलाफ पटना में पप्पू यादव की पार्टी का प्रदर्शन। शिमला में राहुल गांधी ने स्कूल के बच्चों के साथ खेला शतरंज, प्रियंका वाड्रा भी रही मौजूद। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।